नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में कई हैरान कर देने वाले मुकाबले देखने को मिले हैं और कई टीमों के कप्तानों ने अपने कई फैसलों से भी सभी को हैरान किया है। लेकिन इस बीच कोलकाता के दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर सभी को हैरान कर दिया है। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने इस पद को छोड़ने का फैसला किया है। टीम के शुरुआती मुकाबलों में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी कप्तानी की जमकर आलोचना हुई थी। हालांकि टीम ने शानदार तरीके से वापसी भी की थी, लेकिन इसके बाद भी दिनेश कार्तिक ने इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयान मॉर्गन को कोलकाता की कप्तानी का जिम्मा सौंपने की सिफारिश कर दी है। कोलकाता के कप्तान का जिम्मा दिनेश कार्तिक ने इयान मॉर्गन को सौंपने की सिफारिश करने की खबर, एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक ये खबर आई कि अपनी कप्तानी में टीम को कामयाबी नहीं दिला पाने की वजह से कार्तिक ने यह बड़ा फैसला किया है। कोलकाता की तरफ से सोशल मीडिया पर भी इस बात की घोषणा कर दी गई कि अब टीम की कप्तानी का जिम्मा कार्तिक की जगह मॉर्गन संभालेंगे। एक ट्वीट में केकेआर की तरफ से लिखा गया, दिनेश कार्तिक और इयान मॉर्गन ने साथ मिलकर इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा काम किया है और अब कप्तानी का जिम्मा इयान ही संभालेंगे और ये एक दूसरे की भूमिका को बदलने जैसा ही होगा। कोलकाता की टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को 4 में जीत मिली है जबकि 3 में टीम को हार मिली है। अंक तालिका में इस वक्त टीम 4th पायदान पर काबिज है। पिछले मुकाबले में टीम को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 82 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। टूर्नामेंट के पहले मैच में भी टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 49 रनों से मैच गंवाया था। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब किसी टीम के कप्तान ने यूं ही अचानक से जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का फैसला किया है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स जब दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, तब गौतम गंभीर ने बीच टूर्नामेंट में कप्तानी का जिम्मा युवा श्रेयस अय्यर को सौंप दिया था। आपको बता दें, दिनेश कार्तिक को 2018 में कोलकाता का कप्तान नियुक्त किया गया था और उस समय उन्होंने टीम को 2 बार खिताब जिताने वाले गौतम गंभीर को रिप्लेस किया था। कार्तिक ने केकेआर के लिए 2 IPL सीजन 2018 और 2019 में पूर्ण रूप से कप्तानी की। उनके कार्यकाल में टीम 2018 में प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही थी, वहीं 2019 में 5वें नंबर पर रही थी। केकेआर के सीईओ वेंक्यू मैसूर का बयान आया कि हम भाग्यशाली थे कि हमारे पास दिनेश कार्तिक जैसा कप्तान है जिन्होंने हमेशा टीम को सर्वोपरि रखा। उनके जैसे व्यक्ति के लिए इस तरीके का फैसला करने के लिए काफ़ी साहस चाहिए। उन्होंने कहा, हम जहां उनके फैसले से हैरान हैं, वहीं हम उनकी इच्छा का सम्मान भी करते हैं। केकेआर ने अभी तक जो 7 मैच खेले हैं, उनमें से 4 मैच में उन्हें जीत मिली है और 3 में हार। टीम पॉइंट्स टेबल में अभी 4th पायदान पर है। मैसूर ने आगे ये भी कहा कि कार्तिक और इयान इस टूर्नामेंट के दौरान मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब भले ही इयान कप्तानी संभाल रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से भूमिकाओं की अदला बदली है और हमें उम्मीद है ये बदलाव सहजता से काम करेगा। उन्होंने कहा, कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम दिनेश कार्तिक को पिछले 2.5 साल की कप्तानी के रूप में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं और इयान को शुभकामनाएँ देते हैं। बीच सीजन दिनेश कार्तिक ने ऐसा फैसला क्यों किया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि दिनेश कार्तिक पर कप्तानी का बहुत ज़्यादा दबाव था, इस वजीके से उन्होंने बीच टूर्नामेंट ही कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया। अब देखना है इयान मॉर्गन टीम को किस तरीके की सफलता आने वाले मैचेस में दिला पाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।